आज हम आपको बताएंगे कि पोर्तुगीज ग्रिल्ड चिकन जो है वो कैसे बने, चिकन की मैरिनेशन में क्या कुछ जाएगा ये आपको बताते हैं। यहाँ पर मैंने काम ये किया था मीट टेंडराइजर। अच्छा, मीट टेंडराइजर पाउडर फॉर्म में आता है, आप वो तो सिर्फ 10 मिनट लगाएंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर ये जो मेरे पास तिक्का पीसेज हैं इसे मैंने कचरी पाउडर लगाया था। कचरी पाउडर इसमें 4 तिक्कों के अंदर, यानी लेग पीस, थाई पीस और इसके अलावा ब्रेस्ट पीस जो मेरे पास था, इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कचरी का पाउडर लिया था। उसको थोड़ा सा पानी में डिजॉल्व करें, 1/2 टीस्पून नमक लें और उसके साथ इसको मिक्स करके छोड़ दीजिए। 2 से 3 घंटे छोड़ेंगे, बेहतरीन रिजल्ट इसका आएगा, अच्छी इसकी गलावट होती है। अब हम इसे देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि हम डालने जा रहे हैं। पेरी सॉस बहुत आसान रेसिपी है, आप पेश पे से ले लीजिएगा और फिर बनाइएगा। लेकिन मैं आज नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बनाना सिखाया है, मैंने सोचा आज नहीं। यहाँ पर 1/2 कप मेरे पास ये पेरी सॉस है, ये जाएगा इसके ऊपर, ठीक है, ये चला गया। अच्छा, अच्छा मैरिनेट करना है। अब अगर आप इसको पूरी रात भी छोड़ देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट इंशाल्लाह ताला आएगा इसका ना। अच्छा, ये थोड़ा सा इस पर हमने तिक्के के कट लगा लिए, जो कि आप मत लगाइएगा, इसको ऐसे ही रखिएगा, ज़रा सा गलती से लग गई है क्योंकि तिक्का पीस देख के लोग यही समझते हैं कि शायद इस पर भी तिक्का ही बनेगा और उस पर कट लगेंगे। तो बहरहाल खैर कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, अगर लग भी जाए तो कोई इश्यू नहीं, हमने घर में ही बना लिया। इसको ब्रेक टाइम में मैं और अच्छा सा मैरिनेट करूँगी, लेकिन इसमें हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है हिमानी का ऑलिव ऑयल, तो इसको भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे और ये जाएगा इसके अंदर, ये भी तकरीबन मैं 1/2 कप शामिल करूँ। बेहतरीन सा ये ऑयल है हिमानी। अच्छा, का हिमानी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिसमें से आपा फ़िलहाल ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर रही हैं। हम कहें तो अल्ट्रा स्लिम टी भी मौजूद है, हिमालयन सॉल्ट फाइन भी मौजूद है और इसके साथ साथ हैंड वॉश की बात करें या बाकी चीज़ की, पहले ज़रा थोड़ा सा बताएं आपको अल्ट्रा स्लिम के बारे में। ओह माय गॉड, मतलब सारे लोग चाहते हैं स्लिम रहे, फिट रहे, हेल्दी रहे और अच्छा दिखना चाहिए, तो ये तमाम चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन हिमानी ने ये काम आसान कर दिया है। अल्ट्रा स्लिम टी आपको दिए जिसमें कोई कैफीन नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई हार्मफुल ऐसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है जो आपको नुकसान देगा। तो जी, आपको बहुत अच्छा फैट बर्न करने में, कैलोरीज कम करने में बहुत फास्ट रिजल्ट देती है ये अल्ट्रा जो स्लिम टी है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए और खुश हो जाए हिमानी की खास ज़बरदस्ती हम सब के लिए जो बहुत काम है। मैंने देखा, मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, ये बहुत ही ख़ास है जी। चले जी, ये इसको हमने अच्छे से इसको लगा करें क्योंकि देखिए इस पर कट नहीं लगते ना, तो ज़रा अच्छे सा आपको टाइम देना है, इसको बहुत अच्छे से इसको आप टाइम दीजिएगा, ओवरनाइट दे दें तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आप ये मत समझिएगा कि कच्ची पाउडर से ये बहुत ज़्यादा गलावट आ जाएगी, लेकिन जब आप मीट टेंडराइजर लगाएंगे तब आपने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना। जब आप मीट टेंडराइजर जो बाज़ार में पाउडर फॉर्म में वाइट कलर का मिलता है, वो ऐसा होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग उसका मतलब प्रोसेस होता है, तो आप उसका एक काम ये कीजिएगा कि आप 15 मिनट लगाइएगा तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन चलेगा। ये देखिए मेरे पास ये इस तरह के पीसेस थे, इनको हमने लगा के छोड़ दिया। पहले मैं काम करूँगी कि इनको पैन में पकाऊँगी, पैन में पकाने के बाद फिर हम इसको ग्रिल पैन में डालेंगे, ठीक है, कोयले का धुआं लगाएंगे, ये बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। 1/2 कप, ठीक है, फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक, UHT ट्रीटेड और बहुत ही ज़बरदस्त है ये, और इसके साथ साथ डबल रिफाइंड है, गारंटीड है, इंसान सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है ये पार्टिसिपेंट कुकिंग ऑयल। और अच्छा, अब चूंकि हम लोग ज़रा सा गली हुई चिकन खाना पसंद करते हैं, तो बिल्कुल आप देखिएगा इसमें करेंगे, फिर उसके बाद ग्रिल मार्क डालने के लिए हम ये वाला पैन यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो कोई मसला नहीं, टेस्ट आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है और आपका दिल चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि आप रेस्टोरेंट में बैठे, तो ख़रीद लीजिएगा, ठीक है ना, है ना, यही करना पड़ेगा ना फिर, तो यही हो सकता है ना, नहीं तो घर पे बैठ के भी आप बिल्कुल मैं अच्छे से मजे की। चले जी, ये गया इसके ऊपर। अच्छा, मैं चारों रख देती हूँ पीसेस, आपको ओवरनाइट रखना है, किसको, मैरिनेशन को ओवरनाइट रखें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ये स्लो है ना जी, ये मैंने डाला है इसमें 3 टेबल स्पून, ठीक है, ये चला गया और जाएगा इसके अंदर लहसुन, क्रश किया हुआ लहसुन, बहुत ही ज़बरदस्त से राइस बनते हैं, आप देखिएगा, फिर आप कहेंगे कि जी भाई बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बने, ये क्या, इसको हम क्रश करेंगे, वो मतलब थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास जो जो चीज़ें मौजूद हैं, यहाँ पर मेरे पास मौजूद है ये शिमला मिर्च है, अच्छा इसके अलावा पेरी सॉस है ये, और यहाँ पर कॉर्न्स भी हैं। अच्छा, अब कॉर्न्स आप चाहें तो इसमें डाल दें या फिर चिकन के साथ सर्व करें, मैं कॉर्न्स इसी राइस के अंदर शामिल कर दूँगी। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए टमाटर है, थोड़ा सा मेरे पास यहाँ पर चिकन स्टॉक है,
ये तमाम चीज़ें कैसे जाएंगी आप बस देखते रहिए, ज़बरदस्त रहेगी। ठीक है ना, तो हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। अब बारी है कि इसमें हम डालें ये पेरी सॉस। पेरी सॉस की रेसिपी मैं फिर बता रही हूँ कि हमारे पेज पे आप जाएंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगी। बहुत इजी रेसिपी है, आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपको रेसिपी नहीं मिली तो जल्दी से बाज़ार जाइएगा, ले लीजिएगा। ठीक है, ये गए इसके अंदर और डालेंगे हम चिकन स्टॉक जो कि तकरीबन आधा कप के करीब था, उसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ी सी या पिसी हुई लाल मिर्चें ज़रा सी हाफ़ अ टीस्पून और एक पिंच हल्दी की शामिल कर लूँ क्योंकि मुझे ज़रा सा कलर लाइट लग रहा था इसका। ये देखिए क्या ब्राइट कलर आ गया। और ये गए इसके अंदर राइस, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये राइस जो है ये फुल डन है, बस हम इसमें डाल के मिक्स कर लें और चीज़ें डालेंगे और सर्व कर देंगे। मैं पूछने लगी थी कितने परसेंट है। अच्छा, अब आप भी परसेंटेज पे आ गई। हाँ, मतलब खरबूजे को देख के तो मैंने कहा वो मैं भी वही काम कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छा किया। बिल्कुल, ये तकरीबन 98% ओह माय गॉड, अच्छा जी 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 जी, ये 98% है। अब आप बताएं कि आपको समझ आ गया 98%? जी जी आ गया, बस चलने वाले हो दौड़ के आए जल्दी ताकि वो 2% रह जाए। आप ब्रेक लेना? हाँ जी बिल्कुल, ब्रेक भी लेते हैं लेकिन साथ साथ इसमें हम डालते हैं कॉर्न्स जो मेरे पास है। ये गए तकरीबन पूरे डाल देते हैं, ये कॉर्न्स चले गए इसके अंदर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये शिमला मिर्च, ये गई इसके अंदर। और टमाटर, टमाटर मैं बिल्कुल लास्ट में डालूँ, इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी देर दम पे छोड़ूंगी और उसके बाद हम इसको निकाल लें। लेकिन इतनी भी देर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ऑब्वियसली अभी आपने हाँ। शिमला मिर्च के बारे में बताया कि हम ज़्यादा देर कुक नहीं करेंगे, क्रंची भी रखना है, डिसकलर भी नहीं होने देना है, तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे। और फिर ऐड कर देंगे इसमें टमाटर, लास्ट में पकाएंगे? नहीं नहीं, वो बिल्कुल नहीं पकाएंगे, बस ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे। और अब देखें गल भी गई, ये देखें कितनी बेहतरीन सी, इसको मैं रखती जाती हूँ। हाँ, और ये जो बना दिया, हाँ, मैं ठीक है जी। और ये देखिए इम्प्रेशन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंशाल्लाह इंशाल्लाह है आपके पास तो कर लें, वरना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वहाँ से जहाँ तक रेडी हो गई वो भी सर्व कर सकते हैं, वहाँ पर भी स्टेप फिनिश हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये मौजूद है तो फिर ये चले। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरे पास ये बचा हुआ, तो ये भी मैं इसी के ऊपर डाल देती हूँ। ये देखिए एक्चुअली